गाइस, स्वागत है आपका हमारी सांझा चूल्हा रसोई में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल मेरा थोड़ा सा रेसिपी व्लॉग भी आ रहा है, तो आज की जो रेसिपी मैं आपको बनाकर दिखाने वाली, तो उसका नाम है शाही पनीर कोरमा, जो कि बनाने में बहुत इजी है और साथ में आपको खाने में बहुत अच्छी लगेगी। और इसमें जो मैंने सामान वगैरह यूज किया है गाइस, तो वो नॉर्मल हमारे घर में ही आ जाएगा। सिर्फ एक पनीर है जो हमें बाहर से लेके आना है, बाकी चीजें आपको घर से मिल जाएगी। तो हम लोग भी वैसी चीजें ट्राई करते हैं जो बनाने में इजी और खाने में भी सबको टेस्टी लगे। तो आप जो मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी गाइस, तो आप उसको एक बार घर में जरूर ट्राई करना, तो आपको खाने में बहुत स्वाद लगेगी, आपके फैमिली मेंबर्स को भी बहुत अच्छी लगेगी और साथ में आपके मेहमानों को भी बहुत अच्छी लगेगी। तो उस रेसिपी का नाम है शाही पनीर कोरमा। तो गाइस अभी मैं जाके स्टार्ट करती हूँ, तो आप जरूर उसको फॉलो करिएगा। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ पनीर कोरमा, और जिसमें डलेंगे ये प्याज जो मैंने थोड़े से लंबाई में काट लिए, और साथ में ये टमाटो प्यूरी जो मैंने टमाटर कट करके इसको पीस लिया मिक्सी में, एक कटोरी दही आएगी उसमें, और साथ में ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ में ये थोड़े से खड़े मसाले जिसमें है तेज पत्ता, जीरा और बड़ी इलायची, और साथ में दालचीनी, और साथ में ये थोड़ी सी हरी मिर्च। तो ये कैसे कैसे बनेगा गाइस, इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही तरीके से बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो जैसे जैसे मैं आपको दिखाऊंगी वैसे वैसे आप इसको ट्राई करना गाइस। तो गाइस यहाँ पे पनीर के छोटे छोटे से पीसेस कर लिए मैंने, ज़्यादा बड़े नहीं करे हैं, और इसको हमें फ्राई करना है। तो ये बाद में फ्राई करेंगे, सबसे पहले हमें जो है प्याज फ्राई करना है, इसको थोड़ा सा रेडिश में और ब्राउनिश में करना है हमें। और एक साइड पे मैंने गरम कर लिया है ऑयल। तो यहाँ पे गाइस ऑयल थोड़ा सा गरम हो चुका है, और इसके अंदर मैं डालूंगी ये प्याज जो मैंने कट करा है। इसको प्रॉपर तरीके से हिलाएंगे और इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे गाइस। तो गाइस यहाँ पे हमारे जो प्याज है वो अच्छे से भुन गए हैं, और इसको अभी हम निकाल के साइड पे कर लेंगे, और इसको ठंडा होने तक इसको रखें। कम से कम 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, उसके बाद इसको हम इस मिक्सी में पीस देंगे। तो अभी इसको इसमें से निकालना है। तो गाइस आप देख सकते हो, जब मैंने प्याज को कट करा था तो ये कितने सारे लग रहे थे, और अभी भुनने के बाद ना ये बिल्कुल थोड़े से हो गए हैं। तो इसको अभी थोड़ा सा फैला दो ऐसे करके, ताकि ये थोड़ा जल्दी करके ठंडा हो जाए, और उसके बाद इसको हम पीसेंगे मिक्सी के अंदर, ग्राइंड करेंगे गाइस। तो आप ये देखो, इसको अच्छे से ब्राउन करना है गाइस। आप ये मत बोलना कि ये अभी जला हुआ है, क्योंकि ये जला हुआ नहीं है, इसको ऐसे ही पकाना है आपको। तो जब तक हमारा प्याज ये ठंडा होगा, तब तक हम इसी घी में जो हमारा पनीर के पीसेज हैं उसको हम फ्राई कर लेंगे। तो गाइस ये सब्जी है ना, ये बहुत ही, वैसे तो एक तरह से ये नॉर्मल तरीके से बनती है, पर हाँ जब हम कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं ना गाइस, अलग तरीके से बनाते हैं उस रेसिपी को, तो वो चेंज हो जाती है, उसका नाम भी चेंज हो जाता है, उसका थोड़ा सा उसका हुलिया भी चेंज हो जाता है। तो ऐसे करके बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। तो जिस तरीके से अभी मैं बना रही हूँ ना, तो एक तरह से ये पंजाबी स्टाइल ही है ऑलमोस्ट, हम अपने घर में तड़का ऐसे ही लगाते हैं, पर क्या चीज़ है अभी इसको थोड़ा सा हमने डिफरेंट कर लिया है। तो क्या डिफरेंट होगा वो मैं आपको ज़रूर साथ साथ में बताते रहूँगी गाइस। तो इसको अच्छे से धीरे धीरे करके आपको फ्राई करना है अभी, वो भी धीमी आंच पे, आपको जलाना नहीं है इसको गाइस, क्योंकि मेरे से ये हो जाती है गलती हमेशा, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से ये गलती ना हो, क्योंकि जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ गाइस आप लोग वैसे ही करोगे इस करके। तो मैं थोड़ा सा इसको धीमी आंच पे पकाऊंगी। तो गाइस यहाँ पे मैंने प्याज को जो मैंने भुना था उसको मिक्सी में डाल दिया, और इसमें डालेंगे एक कटोरी दही। इसको पानी डाल के मैंने पहले से थोड़ा सा पतला कर लिया था, ताकि ये थोड़ा सा मोटा मोटा ना रह जाए, और इसमें डालेंगे, इसको करेंगे हम अभी मिक्सी में ग्राइंड। तो गाइस यहाँ पे हमने जो प्याज और दही को मिक्सी में पीस लिया, आप देख सकते हो कैसे कितना गाढ़ा हो रहा है। इसमें पानी वगैरह कुछ आपको ऐड नहीं करना है, और एक साइड पे हो गया ये हमारे जो पनीर बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, अभी इसको हम निकाल के साइड पे कर लेंगे, और उसके बाद लगाएंगे हम पनीर कोरमा को तड़का। तो गाइस यहाँ पे एक साइड पे मैंने दूसरे वाले बर्तन में थोड़ा सा ऑयल गर्म कर लिया है, जिसके अंदर हम डालेंगे अभी सूखे मसालों जो मैंने निकाले थे, ये आप देख सकते हो, ये सारे आपको इकट्ठे एक साथ ही डालने हैं गाइस।
और इन सूखे मसालों को आपको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करना है गाइस। अरे आप देख सकते हो कि ये पनीर भी हम चलो मार्केट से ले आते हैं, बाकी टमाटर है, प्याज है, या दही है, या सूखे मसाले हैं, कुछ भी है, वो हमारी सारी चीज़ें हमारी घर से निकल जाती है, या हरी मिर्च हो गई, जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, या लहसुन अदरक हम अलग से पीस लेते हैं, सारी चीज़ें हमारे घर से निकल के आती हैं। तो इसको ज़्यादा बनाने में कोई ज़्यादा आपको खर्चा भी नहीं आएगा, और साथ में ये बहुत ही ईजी तरीके से बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी अभी। और इसके अंदर हम डालेंगे अभी हल्का सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे गाइस। और कम से कम एक या डेढ़ मिनट चलिए आपको इसको पकाना है, और साथ साथ में इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे की साइड से ना लग जाए, क्योंकि आप लोग को पता है कि थोड़ा सा ये गीलेपन में होता है, जिंजर गार्लिक पेस्ट नीचे लग सकता है, इसलिए आपको इसको हिलाते रहना है। और इसके बाद डालेंगे हम ये टमाटो पूरी, और इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है अभी। तो मसाला भूनते वक्त गाइस आपको सारे मसाले ऐड कर लेने हैं। इसमें डालना है आपको नमक, टेस्ट के हिसाब से डालना है अपने, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, और सॉरी इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्की सी लाल मिर्च, और इसी के साथ ऐड करेंगे हम थोड़ी सी देगी मिर्च कलर के लिए गाइस, क्योंकि हमने जो लाल मिर्च यूज़ करी है ना वो तो हमने टेस्ट के लिए करी है ताकि थोड़ा सा हल्का सा तीखापन आए, और जो देगी मिर्च हम यूज़ करते हैं वो करते हैं हम लोग कलर के लिए। तो हमारे घर में गाइस या हम लोग मिर्ची बहुत ही लाइट यूज़ करते हैं, तो मैंने ज़्यादा मसाले तेज नहीं डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा का इलाज नहीं है, कम का इलाज है, क्योंकि अगर कम होगा तो हम ज़्यादा कर सकते हैं, पर अगर ज़्यादा होगा तो उसे कम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड करनी पड़ जाएगी, इसलिए पहले कम ही करना चाहिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो। और इसको टमाटर को जो अच्छे से आपको पकने देना है अभी, और इसी के साथ ऐड करेंगे हम ये प्याज, और जो हमने दही को मिक्सी में पीसा था इसको इसमें ऐड कर देना है गाइस, और इसको प्रॉपर तरीके से अभी आपको अच्छे से मिक्स कर देना है, और थोड़ी देर के लिए आपको इसको बंद करके ढक कर रख देना है ताकि ये अच्छे से प्रॉपर तरीके से पक जाए और इसमें अच्छे से कलर भी आ जाए। तो गाइस यहाँ पे मसाला पक गया अच्छे से, इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी क्रीम, और इसमें ऐड करेंगे ये हरी मिर्च, और इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और इसी के साथ डाल देंगे हम पनीर। अब पनीर डालने का बाद इसको थोड़ी देर के लिए आपको ढक के गाइस रख देना, कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। तो गाइस आज मैंने बनाया है शाही पनीर कोरमा, जो कि बहुत ही इजी तरीके से बनाया है, बहुत ही यम्मी तरीके से बना है, मतलब यम्मी तरीके से नहीं बना, बहुत ही यम्मी बना है, क्योंकि आप देख सकते हो इसका कलर से, और इसका क्रीम इसकी थोड़ी सी फैल गई है क्योंकि अभी सब्जी थोड़ी सी गर्म थी ना, तो उसी में मैंने क्रीम ऐड कर दी, तो अगर आप ठंडा होने के बाद थोड़ा सा क्रीम उसके बाद डालते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, तो इस करके ये थोड़ा सा फैल गया अभी यहाँ पे। तो ये बहुत ही ईजी रेसिपी है गाइस, जो कि आपने देखी होगी, तो इसको बनाने में भी आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और साथ में खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो ये नॉर्मल तरीके जैसे हम घर में सब्जी बनाते हैं, बस ऐसी रेसिपी है, बस एक ही चीज़ें ऐड कर दी हमने बस, और उसका नाम चेंज कर देगा इस, तो और कुछ नहीं है इसमें। तो बस आप इस तरीके से इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करना एक बार, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके एक बार जरूर बताना कि मेरी जो भी रेसिपी आ रही है तो वो आपको कैसे लग रही है, क्योंकि गाइस मैं जो भी बना रही हूँ ना तो मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, तो आप ये समझ लीजिए कि एक पहली बार जो हम ट्राई कर रहे हैं उसके हिसाब से मेरी ये चीज़ें सही बन रही है कि नहीं बन रही, क्योंकि
मैं मतलब काम करती हूँ घर का, पर उस हिसाब से नहीं सच्चाई मतलब, तो अच्छा, तो मेरे हिसाब से तो मेरा अच्छी रेसिपी है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स पे जाके आप जरूर बताना गाइस।